बनारस शहर। कभी जब दिल घबराए, मन कुछ पल के लिए सुकून ढूंढना चाहे, या खुद को तराशने का जी चाहे, तो एक बार जनाब बनारस जरूर घूमाए। यहाँ पर बने घाट और शाम की गंगा आरती का नजारा आपको वो सुकून दिलाएगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। भीनी भीनी महक, चंदन की खुशबू, गंगा की नदी से निकलता हुआ सूर्य भगवान का दर्शन और गंगा की लहरों से टकराता हुआ पत्थर अपने आप में ही मानो कुछ कहता हो। जी हाँ, भोले बाबा की नगरी बनारस में मंदिर, गंगा घाट, पान और साड़ी के रंगों की बात ही कुछ और है, जिसका मजा बताने पर नहीं बल्कि वहाँ जाकर खुद घूमने पर है। लेकिन फिर भी हम आपको काशी यानी कि बनारस के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बनारस की ट्रिप। सबसे पहले आपको ले चलते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, मतलब कि काशी विश्वनाथ। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव साक्षात वास करते हैं। बता दें कि यहाँ बाबा विश्वनाथ के दो मंदिर बेहद खास हैं। पहला विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां स्थान रखता है, और वहीं दूसरा जिसे नया विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में बना हुआ है। अब चलते हैं बनारस की शान यानी कि बनारस के घाट पर, जहां की सीढ़ियों पर घंटों बैठकर आप गंगा की खूबसूरती को निहारते ही रह जाएंगे। घाट पर आपको भांग की मस्ती में डूबे हुए कुछ साधु संन्यासी भी देखने को मिलते रहेंगे यहाँ पर। अगर हम बनारस के घाटों की बात करें तो यहाँ पर दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, अहिल्याबाई घाट आदि, केशव घाट, गाय घाट, मानसरोवर घाट, सर्वेश्वरा घाट, गोला घाट, यानी कि अगर घाटों की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 84 से ज्यादा घाट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ जो फेमस घाट है उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है दशाश्वमेध घाट। यह घाट सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। ये वाराणसी के सबसे ओजस्वी घाटों में से एक माना जाता है। और अगला घाट है प्रयाग घाट। प्रयाग घाट वाराणसी के महत्वपूर्ण घाटों में से एक है, जो कि दशाश्वमेध घाट के ठीक बाईं तरफ स्थित। इस घाट का निर्माण 1778 में बालाजी बाजीराव ने कराया था। और अगला घाट है अस्सी घाट। इस घाट पर श्रद्धालुओं शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूजा से पहले इसी घाट पर स्नान करते हैं। आपको बता दें कि यह वही अस्सी घाट है जहां मशहूर भारतीय कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की थी। अगला घाट आता है मणिकर्णिका घाट। इस घाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं अगर हम गंगा आरती की बात करें तो गंगा आरती हमेशा यहां पर 6:30 बजे शुरू होती है और 45 मिनट तक गंगा आरती चलती है। और इन घाटों पर और गंगा आरती इन घाटों पर होती है, जैसे कि दशाश्वमेध घाट के अलावा वाराणसी के सामने घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, केदार घाट, अहिल्याबाई घाट, ललिता घाट, रविदास घाट, यहाँ पर नित्य शाम गंगा आरती होती है। अगर आप कभी बनारस जाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर ये चीजें खाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप भी खाने पीने के शौक रखते हैं तो बनारस आपके लिए काफी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको फुटपाथ की दुकानों से लेकर बड़े बड़े होटलों में काफी स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाएगा। यहाँ की जो खाने के लिए मशहूर गलियां हैं
वो हैं बनारसी पान, पप्पू की चाय, मलाइयो, चाची की कचौड़ी, रामनगर की लस्सी। ये यहाँ के काफी फेमस गलियां हैं यहाँ की। अगर हम ये बात करें कि हम बनारस कैसे पहुँचे, तो बनारस से बड़े बड़े शहर जैसे कि नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और जयपुर आदि से वायु सड़क या रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। यहाँ जाने के लिए आपको आसानी से ट्रेन और बस मिल जाएंगे। साथ ही बनारस पहुंचकर आप ऑटो बुक कराकर यहाँ की सैर कर सकते हैं। और यहाँ की जो आरती शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होती है, वह आपको देखने में बहुत ही आश्चर्यचकित लगेगी। आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो आरती को जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून का एहसास होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की आरती, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। ये है बनारस। अगर आप कहीं जाने का टूर कर रहे हैं तो आप एक बार बनारस जरूर आइए, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।